दोस्तों से समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के रहने वाले उस लड़के की जो रातों रात यूट्यूब का सुपरस्टार बन चुका है, जिनके एक एक वीडियोस को करोड़ों व्यूज चुटकी बजाते ही मिल जाते हैं। जी हां, इनका नाम है भुवन बाम। उम्र 24 साल और जन्म दिल्ली के ही एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। दिल्ली के ही ग्रीनफील्ड स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की है। भुवन को बचपन से ही पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी। उनका असली सपना एक गायक बनने का था। यहाँ तक कि अपने दोस्तों के बीच में भी उन्हें कॉमेडी करना काफी पसंद था, किंतु हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा थोड़ा पढ़ लिख ले, कुछ नहीं सही तो ग्रेजुएशन तो कर ही ले। भुवन ने भी कुछ ऐसा ही किया। आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए भुवन ने कॉमर्स चुना और दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से पढ़ाई को जारी रखा, किंतु अपने भीतर के सपने को उन्होंने एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। कॉलेज की पढ़ाई करते हुए भुवन दिल्ली के ही एक रेस्टोरेंट में रात 9 से 12 तक गाना गाने का काम किया करते थे। इस रेस्टोरेंट में उन्होंने लगभग 2 साल तक सिंगिंग की, जिसका उन्हें फायदा भी मिला। धीरे धीरे उनकी गायकी में निखार आने लगा। उनके भीतर अब थोड़ा आत्मविश्वास आ चुका था और उसे भुनाने के लिए उन्होंने एक गीत लिखा और उसे खुद गाकर कंपोज भी किया। इस गाने को भुवन ने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। कुछ ही दिनों में यह गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस गाने को सुनकर फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने भी उन्हें गाना लिखने का मौका दिया, किंतु फॉक्स स्टार को उनका यह काम पसंद नहीं आया। उस दिन भुवन ने खुद से एक वादा किया कि आज के बाद मैं फ्री में कोई भी काम नहीं करूंगा। भुवन ने अब तक पास हूँ, तेरी मेरी कहानी, संग हूँ तेरे, सफर और रह गुजर जैसे गानों को सफलतापूर्वक गाया है। अब आते हैं उनके YouTube के सफर के बारे में। हुआ ऐसा कि साल 2015 में भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हुई और बाढ़ जैसी राष्ट्रीय आपदा का सामना तक करना पड़ा। भारत के कई बड़े हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए। इसी बाढ़ के दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई और बहुत से लोग बाढ़ में बह गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एक पत्रकार ने न्यूज कवरेज करते हुए एक महिला से पूछा, आपका बच्चा बाढ़ में बह गया है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? इसके बाद उस पत्रकार की काफी आलोचना हुई। इस खबर को देख भुवन बाम को भी काफी गुस्सा आया। अपने गुस्से को जाहिर करते हुए भुवन ने इसी विषय पर एक वीडियो बनाया और फेसबुक पर अपलोड कर दिया। हालांकि इस वीडियो को सिर्फ 15 लाइक्स मिले, किंतु इस 15 लाइक्स ने उन्हें और भी वीडियोस बनाने की प्रेरणा दी और एक के बाद एक उन्होंने कुल 4 वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिए। इस 4 वीडियो के बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा व्यूज तो नहीं मिले थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है। भुवन बाम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका एक वीडियो पाकिस्तान के एक यूनिवर्सिटी में वायरल हो गया। फिर क्या था, भुवन बाम की गाड़ी निकल पड़ी और सफर शुरू हुआ हंसने और हंसाने का। इस वायरल वीडियो के बाद लोग उन्हें फेसबुक पर फॉलो करने लगे। अब उनके फैंस की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में यह भारत का सबसे तेजी से उभरता हुआ यूट्यूब चैनल बन गया। वर्तमान समय में उनके यूट्यूब चैनल पर 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो समय के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर उन्हें 50 लाख और ट्विटर पर 20 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। भुवन बाम की पर्सनल फेसबुक आईडी पर 4.5 लाख से भी अधिक फॉलोअर हैं। उनके फेसबुक पेज पर कुल 47 लाख लाइक्स हैं। भुवन बाम की यूट्यूब जर्नी भी बड़े कमाल की है। वे आज भी वीडियो मोबाइल के कैमरे से ही बनाते हैं और खुद 15 से ज्यादा कैरेक्टर को प्ले करते हैं। उन्होंने जब चैनल की शुरुआत की थी तब नोकिया नेक्सस से वीडियो बनाया करते थे। भुवन कहते हैं कि आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ज्यादा सुविधाएं सफलता नहीं लाती है। उन्होंने सच में यह साबित करके दिखाया कि सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। अगर आप में कुछ करने का जुनून है तो आप कुछ भी करके सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भुवन बाम की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।